सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। शिक्षा महानिदेशक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ये पत्र जारी किया जा चुका है, जिसकी दिनांक 24/1/2024 को दी गई है। इसके तहत माह जनवरी 2024 में आयोजित होने वाली शिक्षक संकुल बैठक के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं, कुछ अहम परिवर्तन किए गए हैं। आप सभी के लिए आवश्यक होगा कि इन जानकारी को आप ध्यान से देख लें, जिससे कि DCF भरते समय आपके लिए समस्या ना हो। यहां पर अंत में हम DCF को भरना भी ऑनलाइन दिखाएंगे, क्योंकि DCF में कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आगे नीचे देखते हैं तो यहां पर बिल्कुल साफ ये बात बताई गई है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जनवरी 2024 में शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित होना है। माह जनवरी 2024 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन 30 जनवरी 2024 यानी आज के दिन किया जाना है। ये 3 से 5 के बीच में संचालित होनी है। इनमें निम्न एजेंडा निश्चित किया जाएगा। शिक्षक संकुल स्तर पर मासिक बैठक 2 या 3 दिवस पूर्व ही शिक्षक संकुल द्वारा बैठक का एजेंडा परस्पर विभाजित कर यथा आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। मुझे उम्मीद है सभी शिक्षक संकुलों ने इस विषय पर कार्य अपने कर रखे होंगे। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के द्वारा 1 जनवरी 2024 को निर्गत KPI के क्रम में प्राचार्य डाइट और BEO एवं ARP द्वारा शिक्षक संकुल बैठकों में प्रतियोगिता सुनिश्चित की जानी है। शिक्षक संकुलों बैठकों के संपन्न होने के उपरांत शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCF पर बैठक का आयोजन और उसकी संबंधित सूचना भरी जानी है। इसी विषय पर हम DCF का भरा जाना आपको बताएंगे। माह में जनवरी में शिक्षक संकुल द्वारा निर्धारित मंथली टास्क पोस्ट पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संकुल बैठक सुनिश्चित करने हेतु 5-point toolkit जो कि संलग्न की गई है, उस पर कार्य किया जाना है। शिक्षकों को निपुण लक्ष्य के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का आकलन माह में एक बार किया जाना है और निपुण संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। निपुण बैठक और निपुण लक्ष्य ऐप से संबंधित एक परस्पर वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। बहुत जल्द इस पर नए निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग कैसे करें और निपुण शिक्षण संवाद जो हमारा चैट बॉक्स है उसका उपयोग क्या क्या होगा और कैसे किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर शिक्षकों को दीक्षा ऐप और YouTube के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षा प्रशिक्षण वीडियो का अवलोकन, अध्ययन और आवश्यकता अनुसार शिक्षण में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समस्त शिक्षक संकुलों द्वारा छात्र उपस्थिति वृद्धि के लिए डोर टू डोर अभियान संचालित किया जाना है। क्योंकि जनवरी में बच्चे ऑलरेडी नहीं आ रहे थे, विद्यालय बंद थे, इसलिए सभी शिक्षक संकुल अभिभावकों के संपर्क में रहें और जो बच्चे नियमित नहीं आ रहे हैं उनके द्वारा इस जानकारी को प्राप्त किया जाए और उन्हें विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इस तरीके से ये बैठक का संचालन का मुख्य एजेंडा था। आगे यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारी 5-point toolkit है जिसको कि हमको प्रयोग करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है कि शिक्षक संकुलों के समस्त शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। पहला पॉइंट ये है कि हम अपने जो शिक्षक संकुल हमारी है उसके समस्त शिक्षकों को बैठक में आने के लिए हम प्रेरित करें। बैठक में विस्तार से विषय वस्तु के अनुसार चर्चा की जाए, ये हमारी toolkit का दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में है शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, यानी जिन शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको निराकरण करने की या निस्तारण करने की कोशिश करनी है। जो समस्याएं आपके स्तर से सॉल्व नहीं होती हैं उन्हें लिखित में आप अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दे सकते हैं और उन पर कार्रवाई के लिए BO सर को आप अनुमोदित कर सकते हैं या BO सर को उसके लिए आप निवेदन कर सकते हैं। निपुण विद्यालय की ओर से शिक्षक संकुलों की प्रगति का आकलन आपको देखना है कि आखिर ये चौथी टूलकिट है किसमें कितने विद्यालय यानी हमारे विद्यालय के समस्त छात्र कितने हैं और उसमें कितने बच्चों की ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उनकी स्थिति क्या है। पांचवें पॉइंट के तौर पर यह है कि विभाग द्वारा वर्णित टीम और शैक्षिक प्रतियोगी गतिविधियों का क्रियान्वयन, ये 5 चीज़ें हमें टूलकिट के माध्यम से करनी है। अब हम शिक्षक संकुल बैठक में पहले लेवल पर हमें क्या किया जाना है इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो एजेंडा का विवरण ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, जिसके अनुसार ये बात कही गई है कि बैठक का शुभारंभ, पृष्ठभूमि और संदर्भ क्या रहेगा। तो बैठक के वातावरण को सहज करते हुए जिला स्तर लेवल से शिक्षक संकुल बैठक में आए हुए व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य साझा किया जाना है। इस विषय पर सभी लोग ये कहा गया है कि बैठक में गोलाकार बैठें और सहज माहौल बनाकर रखें, जिला स्तरीय बिंदुओं को शामिल करें और वार्षिक शिक्षण योजना, भाषा की शिक्षण योजना, गणित शिक्षण योजना, आकलन और रिमेडियल पर 10 मिनट के लिए काम करना है। ये काम नोडल शिक्षक संकुल एवं ARP के द्वारा किया जाना है। एकेडमिक प्रयासों की शेयरिंग, यहाँ पर दूसरे स्तर पर अपने अच्छे, अपनी न्याय पंचायत के अच्छे शिक्षकों के किए गए प्रयासों को साझा किया जाना है, जिससे कि शिक्षक संकुल इस बात को साबित कर सकें कि अच्छे प्रयास के माध्यम से बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाया जा सकता है और अनिवार्य रूप से ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अभिलेख भी साझा करें।
तीन नंबर पॉइंट पे ये आ रहा है कि निपुण भारत मिशन की एकेडमिक रणनीति और उसके प्रस्तुतिकरण पर चर्चा करें। एक दो तीन के शिक्षक समूहों में खासकर भाषा और रिमेडियल की जो शिक्षण सामग्री है उस पर काम करें। निपुण तालिका के अनुसार कौन से अभी प्रतिफल शेष हैं उन पर काम करने की आवश्यकता है। रेमेडियल कार्य के दौरान समूह एक के बच्चों के साथ किस तरीके की गतिविधियाँ की जाएँ, खासकर रेमेडियल में जो हमारा ग्रुप वन है जो 50% से नीचे है उसके साथ आप रेमेडियल टीचिंग किस तरीके से करेंगे। और इसके बाद गणित के विषयों पर पंचाधिक प्रसार आदि पर चर्चा, NCF 5 पर काम करना और निपुण प्रयासों पर चर्चा करने के प्रयास किए। गणित के शिक्षण के लिए भी रेमेडियल और शैक्षिक कार्यों के बारे में जानकारी करनी है। गणित में किस तरीके से रेमेडियल कार्य किया जाना है इस विषय पर भी प्रस्तुतिकरण किया जाना है। 4 से 8 के शिक्षकों के लिए पिछले बैठक में बनाई गई शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा। संघर्षशील विद्यार्थियों की पहचान कैसे करें इसका दूसरा पॉइंट रहेगा। संघर्षशील विद्यार्थियों के साथ शिक्षा कार्य कैसे किया जाए, रेमेडियल कार्य के दौरान बच्चों के साथ किस तरीके की सावधानी रखी जाए और रेमेडियल एवं पुनरावृत्ति प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाएगा इस विषय पर चर्चा की जानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो हमारा पीयर लर्निंग चर्चा है जिसमें ट्यूटरिंग है, एक अच्छे बच्चे के साथ ए एक अच्छा बच्चा है तो इसके साथ एक कमजोर बच्चे को बी को बिठा करके दोनों को एक साथ सिखाने की जो प्रयास हैं उसकी रणनीति पर चर्चा की गई है। इसमें पीयर लर्निंग के लाभ किस तरीके से मिलेंगे, पीयर लर्निंग कब और कैसे की जानी है, पीयर लर्निंग के अनुबंध में पालन क्या किया जाना है और जहां पर किया गया है उनके अनुभव को शामिल किया जाना है। ये शिक्षक संकुलों और शिक्षक साथियों द्वारा इस प्रकार के कार्य होना है। मासिक जो हमारा प्रवाहपूर्ण पठन है उसके दौरान शिक्षकों द्वारा 20 मिनट की एक चर्चा की जानी है। इसमें 2 और 3 में प्रवाहपूर्ण पठन कब किया जाएगा, इसका तरीका क्या है, किस तरीके से बच्चे पठन नहीं कर पा रहे हैं उसकी समस्याएं क्या हैं और इसे किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, ये कार्य शिक्षकों द्वारा किया जाना है। निष्कर्ष एवं संकलन के तौर पर अंतिम चरण पर हम देखेंगे कि ARP और शिक्षक संकुल महोदय द्वारा बैठक के जो निष्कर्ष हैं उनको उनके द्वारा संकलित किया जाएगा और आगे की रणनीति अगले पूरे 1 माह का टास्क निश्चित किया जाना है। तो इस तरीके से इस बैठक में हमें सामूहिक तौर पर कार्य करके अपनी शिक्षण विधियों को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है जिससे कि हम अपने बच्चों की संप्राप्ति स्तर को परियोजना कार्यालय के निर्देशों के अनुसार प्राप्त कर सकें। चलिए आइए अब मैं आपको DCF भरना दिखाता हूँ। तो आप सभी प्रेरणा पोर्टल पर अपना प्रेरणा अटेंडेंस का जो ऐप है उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से डाउनलोड कर लें। जब आप उसे डाउनलोड करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आते हुए जब आप शिक्षक संकुल पर पहुँचेंगे तो शिक्षक संकुल को हमें क्लिक करना है। इस शिक्षक संकुल आइकन को क्लिक करने के बाद शिक्षक संकुल सर्वे DCF और शिक्षक संकुल न्यू स्कूल रिपोर्ट आपके सामने दिखेगी। यहाँ पर सर्वे DCF को जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये सर्वे DCF आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपके द्वारा शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभाग किया गया है। यदि आप हाँ करते हैं तो आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। आप इस इंटरफेस को जब देखेंगे तो इस इंटरफेस में आपको क्वेश्चन हाँ करने के बाद आपसे डेट पूछी जाएगी कि आपकी बैठक की डेट क्या है। यहाँ पर आज की डेट हम फिल कर देंगे जो कि हमारे कैलेंडर से होगी। बैठक कितने समय के लिए प्रस्तावित हुई, सामान्य समय जो 1.5 से 2 घंटे का है वो आप क्लिक करेंगे। न्याय पंचायत में टोटल कितने शिक्षक हैं, मैं एक डिजिट ले लेता हूं, जैसा 65 मैंने यहां पर ले लिया। उसके बाद कितने शिक्षक आपके उपस्थित हुए, जो शिक्षक आपके उपस्थित हुए हैं वो संख्या आपको यहां पर भरनी है। इसके बाद आपके नेक्स्ट 7वें नंबर पे पॉइंट पे पूछा गया है कि बैठक में आयोजित किए गए कितने बिंदु हैं और उसके बाद कौन सा ARP महोदय आपके बैठक में शामिल हुए हैं, जिन ARP महोदय को आपने बैठक में सम्मिलित किया है या जो आए हैं उनका नाम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद बैठक में आयोजित होने वाले 3 प्रभावशाली सत्र चुने, तो आपको इनमें से 3 प्रभाव आपके द्वारा चुने जाने हैं। उसके बाद आप बैठक में निम्न 5 बिंदु जो आज की बैठक के प्रमुख 5 बिंदु हैं उनको आप शामिल करेंगे। ये 5 बिंदु आप अपने बैठक में अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 1 बिंदु जैसे कि सभी शिक्षकों को शिक्षक संदर्शिकाओं के अनुसार पढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए, तो आपकी बैठक के मुख्य प्रमुख बिंदु क्या थे, किन विषयों पर चर्चा हुई उसके तहत, यानी बैठक का सार आप 5 बिंदुओं में 4 बिंदुओं में यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये आपको अपने व्यक्तिगत लेवल पर करना है। शिक्षक संकुल को बैठक में मुख्य 5 बिंदु अपने हिसाब से तैयार कर लेने हैं और उनको यहाँ पर भरना है एज अ सार, जिससे कि ये पता चल सके कि बैठक में वास्तव में क्या निष्कर्ष निकाला गया और वास्तव में किन किन
पर चर्चा की गई है। तो इस तरीके से हमें ये बात यहाँ पर निर्देश के तौर पर 5 बिंदु बनाने हैं। उसके बाद ये यहाँ पर लिखा है कि क्या वास्तव बैठक को आयोजित किए जाने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, यदि कोई समस्या आई है तो आप हाँ का टिक करें, अगर नहीं आई है तो नहीं पे, अगर हाँ पर टिक करते हैं तो कुछ ड्रॉप डाउन हमारे सामने उपस्थित होते हैं, इन ड्रॉप डाउन में जो समस्याएँ आपके सामने आई हों उनको आप टिक करेंगे, अगर इनके अलावा कोई आई है तो अन्य कारण यहाँ पर लिख करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक सुझाव मांगा गया है आपसे, जो आप यहां पर लिखेंगे, इस सुझाव को आप लिख करके आगे बढ़ेंगे। मैंने यहां पर सभी शिक्षकों से सहयोग करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करके बैठक में उपस्थित होने के लिए और प्रभावी शिक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, इस तरीके का जो अपना सुझाव है वो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर टाइप किया हुआ है। आप अपनी सोच के अनुसार जो आपको उचित लगता है, जो बैठक को और अच्छा बनाए जाने के लिए आवश्यक हो, उसे आप टाइप करके यहाँ पर अपना सुझाव परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं और निश्चित तौर पर इसी के अनुसार आगे की बैठकों में कुछ सुधारात्मक और सुझावात्मक नए पहलुओं को जोड़ा जा सकेगा।